हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रॉफिट और लॉस निकालना सीखा था, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कैसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो एग्ज़ाम्पल हमने अपने पिछले लेक्चर में ली थी कि अगर कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 100 है और सेल प्राइस रुपीज़ 120, यानी कि अगर आपने 100 रुपीज़ की चीज़ को 120 रुपीज़ में सेल कर दिया है तो प्रॉफिट कैसे आता था। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रॉफिट इज गिवन बाय सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 120 माइनस 100। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया जी, प्रॉफिट आया हमारे पास अब रुपीज 20, 20 रुपये प्रॉफिट आ गया। अब देखिए, 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये में बेच दिया और 20 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो ये प्रॉफिट जो है कितने परसेंट हुआ, अब इस चीज़ पे आते हैं, क्योंकि परसेंटेज आपने नॉर्मली आप सुनते हैं कि इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ या इतने परसेंट लॉस हुआ, तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। बड़े ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इस केस में देखते हैं प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 20, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 20%। तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, प्रॉफिट इज 20%। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। बड़े आसान एग्जांपल लेके कर रहे हैं ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। इसी तरह से लॉस परसेंट की बात करते हैं, फिर आगे और डेप्थ में चलेंगे। लॉस परसेंट मतलब, मान लीजिए यही सेम कॉस्ट प्राइस के लिए हमारे पास सेल प्राइस है रुपीज 80, मतलब 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेच दिया, 80 रुपीज में बेच दिया हमने, तो कितने का लॉस हुआ। लॉस कैसे निकालते हैं हम, सीपी माइनस एसपी, यानी कि 100 माइनस 80, यानी कि हमारा लॉस है 20 रुपीज का। यहां हमने प्रॉफिट लिया था 20 का, यहां इस केस में लॉस 20 रुपीज का है। तो लॉस परसेंट कितने परसेंट लॉस हुआ, फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है जी, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। देखिए सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला है, नीचे कॉस्ट प्राइस ऊपर 100, यहां पर भी नीचे कॉस्ट प्राइस ऊपर 100, डिफरेंस क्या है, बस इधर प्रॉफिट है तो इधर लॉस है, जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हो वो आपने ऊपर रखना है। तो लॉस कितना है, 20, कॉस्ट प्राइस 100 और ये भी 100, ये कट गया, तो हमारा लॉस कितना आया यहां पर, 20%। तो मेन मकसद हमारा इस फॉर्मूला को याद करना है अभी, कि कैसे याद रखना है, प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। अभी ये सिंपल क्वेश्चन, हमने 100 और वैल्यू ली थी 120, मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू चेंज हो जाती है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, यहां पर थोड़ा वैल्यू चेंज करते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं लगेगा, देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कोई और वैल्यू लेते हैं हम कॉस्ट प्राइस की, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 120 है और सेल प्राइस 135 है, 120 रुपए की कोई चीज ली आपने और 135 की सेल कर दी, तो उसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 135 में से 120 माइनस करें तो प्रॉफिट हो गया हमारा 15 रुपीज का, राइट। तो अब हमारे पास प्रॉफिट 15 रुपीज हो चुका है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंट में ऊपर रखोगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 15, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 120, मल्टीप्लाई करिए 100 से, राइट। अब इसको आपने कैसे करना है, 3 के टेबल में ये 4, ये 3 के टेबल में 5, 2 के टेबल में 2, ये 2 के टेबल में 5, यानी कि 25/2, और इसको फर्दर आप काट देंगे तो क्या बनेगा, 12.5, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इज 12.5%। तो कैलकुलेशन तो देखिए कैसा भी क्वेश्चन आए, मेन मेथड है, मेन चीज़ है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100,
लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब एक सिचुएशन और पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपके पास सिचुएशन है कि मेरे पास कोई चीज़ 80 रुपीज़ की है, मान लेते हैं 80 रुपीज़ की, आप दुकानदार हैं, आपने कोई 80 रुपीज़ की कोई भी चीज़ खरीदी जिसे आपने सेल करना है, और आपने ये मन बना लिया कि मैंने इसे मान लीजिए 20% ले लेते हैं कि इसे 20% प्रॉफिट पे सेल करना है। सिचुएशन ध्यान से सुनिए, 80 रुपीज़ की कोई चीज़ आपने खरीदी अपनी दुकान के लिए, फर्दर आपने कस्टमर को सेल करनी है, और आपने ये प्लान किया कि इसे हमने 20% मार्जिन पे सेल करना है, यानी कि 20% प्रॉफिट कमाना है इससे, तो हम उसको कितने रुपए का सेल करें कि मुझे 20% प्रॉफिट होगा। तो एक इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो उस चीज में कैसे कंसीडर करना है देखते हैं। मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 20%। प्रॉफिट चाहिए 20%, सेल प्राइस मुझे निकालना है, मुझे ये देखना है कि मैं कितने का बेचूं कि मुझे 20% प्रॉफिट हो। अब एक बात सुनिए, ये जो प्रॉफिट परसेंट है ना, ये 20% अकेला नहीं होता, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस है कि जितने की वो चीज़ वो प्रोडक्ट मुझे आया था उसका 20% मैंने कमाना है। ये कंसेप्ट समझने वाला, जितने की कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस मेरी है किसी प्रोडक्ट की, उसका 20% मुझे कमाना है, यानी कि 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल और प्रोडक्ट विच आई हैड परचेज्ड टू सेल, राइट? तो अब 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस करेंगे यहां पर, और ये कैसे करते हैं, परसेंटेज मतलब 100 नीचे, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस कितनी है 80, ये देखिए दोनों जीरोस कट गए 16, यानी कि अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस 80 है, 20% मैं प्रॉफिट चाहता हूं, तो 20% प्रॉफिट बनेगा कितना? 16 रुपए। 80 का 20% कितना होता है? 16। तो 16 रुपए प्रॉफिट कमाने का मतलब है 20% हो गया, तो 16 रुपीज मतलब अब सेल प्राइस क्या होगा? अब सोच के देखो, अगर मेरे पास कोई चीज 80 रुपीज की है, मैंने 16 रुपए उसमें से कमाने हैं 16 रुपीज, तो मुझे सेल कितने का करना पड़ेगा? 96 का ही सेल करना पड़ेगा। कैसे? सेल प्राइस विल बी गिवन बाय कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? 80। प्रॉफिट कितना आया? 16, यानी कि मुझे कितने की ये सेल करनी है? 96 रुपीज की सेल करनी है। 96 रुपीज की सेल करूंगा तो 20% प्रॉफिट होगा। ये कोई फॉर्मूला नया नहीं है, आपने जो किया है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, ये फॉर्मूला इसी से बना है। देखो, ये कॉस्ट प्राइस को आप इधर ले जाओगे तो SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मेरे को ये नजर आ रहा है ना कि 80 रुपीज की चीज है, 16 रुपीज मैंने फायदा लेना है, तो सेल कितने का करना पड़ेगा? ऑब्वियसली दोनों को ऐड कर देंगे, राइट? तो ये केस इस तरह के भी आ जाते हैं कि हमें परसेंटेज गिवन हो और सेल प्राइस निकालना हो। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस 80 है, कॉस्ट प्राइस सेम रखते हैं, कितनी? 80। लॉस की बात करते हैं, यहां पर तो था कि मैंने सोचना था कि मैं 20% प्रॉफिट लेना चाहता हूं तो कितने का सेल करूं। अब नंबर टू, ये भी हो सकता है क्वेश्चन आ गया कि जी 80 रुपीज की चीज थी, दुकानदार ने 20% लॉस पे इसको सेल कर दिया, बताइए कितने का सेल किया? निकालना सेल प्राइस ही है, लेकिन लॉस परसेंट हमें पता है कितना, 20% लॉस है मान लीजिए, तो यहां पर हम लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, वो सेम ही रहता है मेथड, यानी कि 20/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, कॉस्ट प्राइस इज 80, तो सेम काट के हमारे पास लॉस कितना बना? 16। लेकिन अब फर्क क्या है? डिफरेंस है कि वहां पर मैंने प्रॉफिट कमाना था 16 रुपीज, यहां पे मेरे को लॉस हो रहा है कितना? 16 रुपीज का। यानी कि मेरे को सेल प्राइस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस है 80, लॉस है 16, तो ये माइनस करके कितना आएगा? 64। यानी कि अगर मैं 80 रुपीज वाली चीज को 64 रुपीज का सेल कर दूं तो 16 रुपीज का लॉस हो जाएगा। 16 रुपीज का लॉस होने का मतलब मुझे 20% का नुकसान हुआ है।
20% का लॉस हुआ है। और ये फॉर्मूला भी कोई नया नहीं है, हमने कल पढ़ा था लॉस निकालने का फॉर्मूला। लॉस कैसे निकालते थे? सीपी माइनस एसपी। देखो सेम फॉर्मूला, आप लॉस को इधर ले जाओ, एसपी को इधर ले जाओ, तो यही बनेगा। या यहां से आप ये बना लीजिए, कैसे बनेगा? लॉस को राइट साइड में ले जाओ, एसपी को लेफ्ट साइड में ले जाओ। तो फॉर्मूला कोई नया नहीं है, फॉर्मूला पुराना ही है। तो आज के लेक्चर में हमने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा। अभी कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें तो बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं, तो बेटा हमने बेस से शुरू किया है, बेस से शुरू किया है। धीरे धीरे इनके लेक्चर्स को हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक लेके जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट इज द पावर। कंसेप्ट याद समझ होने चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ आया होगा, और अगर सबको समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।